अब जब बीसीसीआई जागी है, कुछ खिलाड़ियों को भी अपने किए पर पछतावा है। ऐसे ही खिलाड़ी है पुणे वॉरियर्स के मोनीश मिश्रा, जिन्होंने ऑपरेशन आईपीएल के बाद अपनी गलती मान ली है। पुणे वॉरियर्स की टीम ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन आईपीएल में दिखाए गए क्रिकेटर मोनीश मिश्रा को निलंबित करने के फैसले का स्वागत किया है। इंडिया टीवी के पास मोनीश की वो चिट्ठी है जिसमें इस क्रिकेटर ने माना है कि मनी लेने की बात कही थी। मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि पुणे वॉरियर्स के लिए खेलने पर बीसीसीआई की तय की गई रकम से ज्यादा रकम लेने की बात मैंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए औपचारिक बातचीत में की थी। मुझे सहारा से नकद में कोई भी रकम नहीं मिली है। मैं सहारा से माफी मांगता हूं जिसे मेरे ओछे और गलत बयान की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सही स्थिति बताने के लिए जब भी जरूरत होगी मैं बयान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है कि मोनीश को एजेंट से मिलने की जरूरत ही क्या थी और बीसीसीआई के रहते मोनीश एजेंट से कैसे मिले। मोनीश कह रहे हैं कि उन्होंने जाने अनजाने ही सहारा से पैसे लेने की बात कही थी, लेकिन पैसे का लालच तो सामने था ही। एक खिलाड़ी ने गलती मान ली, लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पैसा सबसे बड़ी चीज है इनके लिए। ये कि सविता, इतना पैसा मिल रहा है इनको, दूसरे गेम्स में अगर आप एशिया कप या वर्ल्ड कप जीतते हैं तो 5 लाख मिलता है। यहाँ पर आप एक आईपीएल का मैच खेल आपको 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो फिर भी अगर ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो इनके लिए बहुत गलत बात है और क्रिकेट के लिए बहुत गलत बात है। अगर इस तरह की चीजें अगर अभी नहीं रोकेंगे तो आगे रुकेगी नहीं, क्योंकि इनकी सजा सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल। और इंडिया टीवी के